नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक सर समाचार से। भाजपा के सीनियर लीडर और डिप्टी एक्स डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह की मुश्किलें जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जेडीए की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है और इस नोटिस में कहा गया है कि वो 5 दिन के अंदर अपने घर को खुद ही डिमोलिश कर दें, और अगर वो 5 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो फिर जेडीए का एक विंग है वो खुद उसको डिमोलिश करेगा और उसका खर्च जो है वो डॉक्टर निर्मल सिंह को देना होगा। ये एक नोटिस है जो 8 तारीख को निकाला गया है, मतलब आज से एक दो दिन पहले ये नोटिस निकाला गया है, और यानी कि डॉक्टर साहब के पास अब 3 दिन बचे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि डॉक्टर साहब खुद ही अपने घर को डिमोलिश करते हैं या फिर अब जेडीए जो है इसको डिमोलिश करता है, और अगर जेडीए डिमोलिश करता है तो फिर वो किस तरह से वसूली करता है, क्या सब होगा, क्योंकि एक रिप्यूटेड नाम है डॉक्टर निर्मल सिंह, भाजपा के सीनियर लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं, और उनकी छवि भी ठीक है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पिछले लंबे समय से ये एक आवाज़ उठती रही है कि डॉक्टर निर्मल सिंह का घर जो है वो इल्लीगल है, उसको तोड़ देना चाहिए, उस कंस्ट्रक्शन को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ये भी कहा जाता रहा कि डॉक्टर निर्मल सिंह जो हैं वो एक पावरफुल व्यक्ति हैं और भाजपा में हैं, इस कारण उनको कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो हाथ नहीं लगाता। लेकिन सवाल ये है कि अब जब से ये नोटिस निकला है तो उसके बाद काफ़ी सारे कुछ प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर जो है वो इसको चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये नोटिस निकाला गया है तो 3-4 दिन हैं, तो एक कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, लेकिन कई सवाल और भी उठते हैं। क्या पूरे जम्मू शहर के अंदर, कश्मीर की बात हम नहीं करेंगे लेकिन हम जम्मू की बात ज़रूर करेंगे, कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जितने भी यहाँ पर घर बनते हैं, दुकानें बनती हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, क्या वो लीगल वे में बनती हैं, क्या जो उनके नक्शे पास होते हैं वो नक्शे अगर एक बार कोई इंक्वायरी करवाई जाए, चेक किया जाए तो क्या वो होता, क्योंकि एक बार कॉरपोरेटरों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था खिलाफ वर्जी विंग पैसा खा रहा है, और तब मेयर साहब से भी बात करने की कोशिश की थी लेकिन मेयर साहब खिसकते हुए नज़र आए थे, तो इसका अर्थ हमें यही लगा, और जो भी हमने भी बातचीत की तो हमें ज़्यादातर लोगों से यही सुनने में मिला कि यहाँ पर पैसा खाकर बिल्डिंगें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की जाती। डॉक्टर निर्मल सिंह के घर को तोड़वाने के पीछे लोग खड़े हुए हैं, वो तो इल्लीगल है, वो तो टूटेगा, लेकिन वो कब टूटेंगे जो इल्लीगल नक्शे पास हो रहे हैं, पैसे दे दे के हो रहे हैं, खिलाफवर्जी विंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह कॉरपोरेटर उठा रहे हैं, इसका संज्ञान कौन लेगा। अब से 2-4 दिन पहले हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया, जिस नोटिफिकेशन में कहा गया कि गांधीनगर के एरिया और छन्नी हिम्मत के एरिया में लोगों ने अपना जो उनकी बिल्डिंग्स है जो उन्होंने नक्शे पास करवाए उससे 10-10 फीट वो आगे बढ़ गए हैं, तो उसको वो लोग खुद ही हटाएं, उनको 1 महीने का समय दिया है। उसमें नाम नहीं दिए थे लेकिन प्लॉट नंबर सबके लिखे थे। उसके बाद काफ़ी हाहाकार मच गया कि हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं, ये आज हमें कह रहे हैं, पहले सरकारों ने हमें नहीं कहा, तो पहले वोट लेने वाली ये बोर्ड वाली भी राजनीति एक बड़ी दिलचस्प है, इसकी आड़ में क्या क्या होता है ये तो हमें लगता है जग जाहिर है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता होगा तो फिर ईश्वर का नाम नहीं, हो सकता भगवान को मालूम हो, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। अच्छा, डॉक्टर निर्मल सिंह की मुश्किलें जो हैं वो कम होती दिख नहीं रही, कैसे देख रहे हैं? देखो, ये जो नोटिस आया मैंने देख रहा, सोशल मीडिया के ऊपर सभी चैनल जो हैं लगभग इसी तरह से ये खबरें प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेन चीज़ ये देखने वाली है कि अगर डॉक्टर निर्मल सिंह यहाँ ना होते, क्या केवल निर्मल सिंह ही एक ऐसा नहीं है कि मैं बचाव कर रहा हूँ, लेकिन मैं सुर्खियों में ये जरूर देख रहा था कि सभी जो है निर्मल सिंह चल रहा था जी। नोटिस भी मैंने देखा, उसमें पढ़ा, जो ऑब्जेक्शन लगाई गई थी वो भी मैंने पढ़ी, लेकिन जो इलीगल है उसका तो टूटना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर निर्मल सिंह की जगह कोई साधारण व्यक्ति होता, इससे पहले देखें यहाँ पर गांधीनगर में भी हाउसिंग वाले ने जो नोटिस निकाला था तो हम भी तलाश कर रहे थे कि इसमें किन किन के नाम हैं, उन्होंने देखा कि हाउस नंबर वगैरह लिखे थे, सब कुछ लिखा था उसमें, फिर बाद में पता चला कि इसमें कुछ बड़ी हस्तियां भी हैं, शहर के बड़े लोग भी हैं, लेकिन नाम शाम हमें नहीं मिले, हालांकि हमने निकालने की कोशिश की, उसमें कुछ नाम मिले भी, बड़े नाम भी उसमें मिले, लेकिन ये वाला नाम जो था ये इतनी जल्दी पॉपुलर हो गया निर्मल सिंह का कि जैसे कोई धमाका हो गया शहर के अंदर,
एक चीज मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आप जम्मू से लेकर कठुआ तक देखें तो जेडीए पूरा जेडीए जेडीए आता है सभी जगह पर, और जो जहाँ पर बिल्डिंग है मकान जो भी बन रहा है यहाँ पर, क्या सबके नक्शे पास हैं? जो आप जब निकलते हैं तो क्या सबके नक्शे पास हैं? आप किसी भी मकान किसी भी बिल्डिंग पर उंगली रख दो तो आपको क्या लगता है कि वो पास है? चलो माना कितने प्रतिशत पास होंगे वो नक्शे। अगर ये निर्मल सिंह भाजपा से ना जुड़े होते, अगर ये डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम ना रहे होते तो क्या ये खबर इतनी सुर्खियों में आती? ये भी देखने वाली चीज़ है। आप जहाँ जम्मू में आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझ के उनको डिफेम करना चाह रहे हैं, जिस तरह से मीडिया के अंदर हमने देखा शुरू से ही मीडिया धड़ा पोर्टल धड़ा धड़ा उसके खबरें लगा करने कि कम से कम उनकी खबर का दायरा सीमित क्यों था निर्मल सिंह का, दूसरे को क्यों नहीं ले रहे बीच में? उनसे हो सकता है टीआरपी ना मिलती हो, या फिर वो लोग जिन लोगों की भी बात आप कर रहे हैं जिन लोगों ने भी इल्लीगल कार्य किए हैं तो वो थोड़ा तिकड़म भी लगाते हैं कि भाई मेरे को क्यों कर रहे हो, दोस्ती भाईचारा भी निभाना पड़ता है क्या? जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं क्या उनके मकान सही हैं? उन्होंने उनके नक्शे चेक किए हैं क्या? निर्मल सिंह का निर्मल सिंह देख रहा था मैं, यहाँ धड़ल्ले से लाइव चल रहे थे निर्मल सिंह तो मैंने भी देखा कि कितना बड़ा है, पर उस खबर के दौरान जो खबर चल रही है मात्र निर्मल सिंह, बाकी क्यों नहीं है, अदर क्यों नहीं है? आप जिस जम्मू शहर के अंदर रह रहे हैं आप हर एक गली के अंदर चले जाओ, आप देखें किसी भी गली के अंदर चले जाओ क्या कितनी ज़्यादा जो है गैर कानूनी ढंग से जगहों को किया गया, किसके लैंडर आ गए हैं, जो कि आज भी शहरों के अंदर चले जाओ आप देखो धड़ल्ले से लोग दिन रात काम कर रहे हैं, जब भी कोई छुट्टी दे। सवाल एक समय था, अभी काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन कुछ सवाल कॉरपोरेटरों ने ही उठाए थे और खिलाफ वर्जी विंग के ऊपर आरोप लगाए थे, पैसा खा रहे हैं ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, तब हमने मेयर साहब से भी बात करने की कोशिश की लेकिन वो भी चुप्पी साध रहे थे, तो हमें बड़ा संदेह हुआ, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक वो हमारे हाथे चढ़े नहीं, तो इसके पीछे अब हम क्या समझें कि यहाँ पर सारे इलीगल काम हो रहे हैं, लोग जो चाहे वो कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, दोस्तियाँ भाईचारे निभा रहे हैं और सबको ये कह रहे हैं कि आप ठीक है हमारा काम होने दें, आप थोड़ा 2-4 लाख रुपये रखें कोई बात नहीं चल रहा काम, तो ऐसे ऐसे करके चला रहे हैं यहाँ पर। दीपक पैसा कहाँ नहीं चल रहा, क्या जो लोग दर्शक देख रहे हैं जो भी दर्शक हैं क्या उन्हें नहीं मालूम कि कोई भी मकान कंस्ट्रक्शन जब भी आपको करनी होगी तो आप कंप्लीटली उनके डॉक्यूमेंट पूरे तो कर नहीं सकते, आपको किसी न किसी ढंग से उनको रिश्वत देनी ही पड़ेगी, ये बात तो सच है, सच कड़वा है ना, कड़वा है, हो सकता है मतलब लोग देते फिर कानूनी तौर पर इसको कोई मान्यता नहीं है पैसे को, लेकिन आप क्या समझते हैं नहीं देता? आप घर के आगे अगर रेत की आपकी ट्रॉली आती है, ट्रॉली बाद में पहुंचती है, व्यक्ति पहले खड़ा हो जाता है कि भाई साहब पहले साहब से बात कर लो, क्या नहीं होता ऐसा? भाई मुझे अगर कोई कहे कि नहीं होता ऐसा तो मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों ने खुद मकान बनाया, पड़ोसियों के मकान बनाए, 10 जगह पर झगड़े होते हैं वहाँ स्पॉट पर पहुँच जाते हैं, फिर हम बोलते हैं भैया गरीब आदमी है कुछ करो यार, तो बाद में बोलते हैं सर साहब चला गया हो गई बात, तो मतलब क्यों नहीं होता? आप कैसे मान सकते हैं क्यों नहीं होता, और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं होता? और मैं कह रहा हूँ कि क्या म्यूनसिपल्टी के पास इस तरह की कंप्लेनें नहीं आती है? हमने भी 10 बार फोन करके बताया होगा सर वहाँ पर ये हो गया वहाँ पर ये हो गया, क्या आपने कोई किया कार्रवाई की? वो तो वैसे का वैसा है, देखिए बात वही है, हमारा फोकस थोड़ा साइड में हल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हमें जिस तरह से ये खबर इतनी हाईलाइट हुई है, इस खबर में मीडिया को कुछ और नाम भी लेने चाहिए थे, कुछ और लोगों के नाम भी लेने चाहिए थे, बहुत सी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो गैर कानूनी हैं। और नाम कैसे, अब नोटिस जेडीए की तरफ से डॉक्टर निर्मल सिंह का निकाला, तो डॉक्टर निर्मल सिंह के फोकस करेंगे ना, तो मीडिया वाले और किसका नाम लें? जेडीए को एक ही नोटिस, क्या एक ही नोटिस मतलब क्या हो गया, एक ही गैर कानूनी बंदा, एक ही डिप्टी सीएम भाजपा से जुड़ा हुआ, एक ही निकाल, उनके पीछे कुछ लोग पड़े होंगे ना जो बार बार उनको कहते होंगे कि नहीं आप आरटीआई लगा रहे होंगे, दूसरी जगह जा रहे होंगे, कोर्टों के दरवाजे खटखटा रहे होंगे, तो उनको अपनी नौकरी नहीं बचानी? देखो उनका मकान तो सामने आ गया कि गैर कानूनी हिस्सा, जो भी होना होगा मैंने देखा नहीं है, जो जो पॉइंट उसमें दिए हैं तो गैर कानूनी हैं। मैं कहता हूं अगर आप उनके साथ वाला कोई भी अदर मकान होगा उसके आसपास का होगा वहां भी आप देखेंगे तो बहुत सी चीजें ऐसी निकल आएंगे, लेकिन वो देखो गलत जो है वो गलत है, उसको तो हटना ही हटना, लेकिन हम लोग उस चीज को इतना हाईलाइट दे रहे हैं, मतलब सभी मीडिया हाउस इतना हाईलाइट दे रहे हैं, मुझे लग रहा है अब जेडीए के पास एक चैलेंज आ गया, जेडीए को जिस तरह से ये कार्रवाई की है मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर जेडीए को और भी लोगों पर इसी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कार्रवाई की मांग जो थी वो जम्मू कश्मीर में आज से नहीं लंबे समय से की जा रही थी कि ऐसा हो, जम्मू शहर के अंदर भी ये मांग हो रही थी, म्यूनसिपल्टी के पास भी ये मांग हो रही थी, लोगों के पास निकलने को जाने को रास्ते नहीं रह गए, गलियां एकदम से क्लोज हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, अब इसके बाद आप बाहर चले जाओ हाईवे बंद, मतलब उस पर भी इतनी इतनी ज़्यादा लोगों ने मतलब उस पर कब्जे किए हुए हैं,
गांधीनगर में तो अभी तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट निकली है, जिसमें लोगों ने कितने 10-10 फुट कितना कितना किया, बड़ी बड़ी हस्ती ने किया, पूरा शहर आपने मतलब गैर कानूनी बना दिया। नोटिस निकला तो निर्मल सिंह का मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है कि मात्र फोकस वहां पर ना हो, जेडीए को दायरा अपना बढ़ाना चाहिए, थोड़ा बढ़ा दे दायरा आने वाले एक दो दिन में करें, नहीं तो फिर जेडीए पर भी उंगलियां उठेंगे कि आपने मात्र उन्हीं पर वो बीच में कुछ लोगों ने पैसे खाए तो उनका क्या करना फिर? नहीं वही तो हम पूछ रहे हैं ना, वही तो हम पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारे मीडिया देखो, हमारी जो जम्मू मीडिया इस समय बहुत फास्ट मीडिया और ये डेमोक्रेसी का एक पिलर होता है जो तुरंत से खबर करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही एक्टिविटी हमेशा से हमारी मीडिया में होनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी जो है वो छुप ना पाए जो पहले होती थी। हमें ये मांग करनी है जेडीए से भी और म्यूनसिपलिटी से भी कि जो भी गैर कानूनी चीज़ें रही हैं, आप मात्र कुछ चीज़ों को आप लेके हाईलाइट आप कर देते हैं, आगे कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे आगे बढ़े आप, इनको भी तोड़ो। इसके बाद एक मांग ऐसी नहीं हो सकती है कि जितने भी शहर के अंदर कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उन सभी के नक्शे चेक किए जाएं, ताकि पता चले कि क्या लीगल क्या इलीगल हो रहा है, और उसकी जानकारी जो है वो सार्वजनिक की जाए, हर एक मीडिया हाउस की उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए कि ये इस तरह से हमने ये डिटेल सार्वजनिक कर रहे हैं कि इसमें कितने लोग इलीगल थे कितने लीगल थे। इससे थोड़ी पारदर्शिता आएगी, लोगों को विश्वास बनेगा, और जो लोग पैसे खा रहे हैं वो भी थोड़ा सोचेंगे खाने हैं कि नहीं खाने हैं। फिर तो ऑफिसरों की दुकानदारी बंद हो जाएगी ना, ऐसा नहीं आप जो मांग कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी तो है, इतनी डेमोक्रेसी थोड़ी आगे सारी चीज़ें मेरे जैसा व्यक्ति बैठे किसका नोटिस आया पहले नंबर में जाकर उनका पहले नक्शा चेक करूं कि कितना हुआ, मुझे भी नक्शे होने चाहिए ना, होने चाहिए वो चीज़ें सारी होनी चाहिए। म्यूनसिपलिटी के पास वेबसाइट होनी चाहिए, वहाँ होना चाहिए नंबर डालो ये डालो सारी डिटेल, आपने डिटेल अपने पास ला करके रखिए पासवर्ड लगा के, भाई ओपन करो ना, वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। नहीं वहाँ वहाँ वैसे तो नक्शे पास हुए हैं साइंड हो गए हैं, तो वहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है वहाँ और उस नक्शे में कुछ डिफरेंस नहीं आ सकते हैं बाद में? दीपक देखिए बात वही आती है कि जब भ्रष्टाचार का कीड़ा जो है हर कुर्सी तक चला गया हो, ईमानदार लोग हैं लेकिन कीड़ा जो है इतना ज़्यादा होता है कि आप किसी विभाग के अंदर चले जाएं जो उसका सीनियर व्यक्ति होता है, जब वो आता है तो बोलते हैं बड़ा ईमानदार है, लेकिन उसकी ईमानदारी वहाँ चल नहीं पाती है, उसको नहीं तो हटा के कहीं दूर फेंक दिया जाता है। जैसे हमने पहले कह रहे थे ना, हम पिछले दिनों जो खबर की थी उसके बाद हमने यहाँ के मेयर से भी उस संबंध में बातचीत करनी चाहिए, हमें समय नहीं दे सकता, हो सकता बिजी रहे हो वो, लेकिन उस समय बहुत बिजी हो गए थे, हम कह नहीं सकते, लेकिन जो लोग इशारों में समझ सकते हैं समझ जाएंगे। नहीं हम लोग फिर भी किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि हम भी कोशिश कर रहे थे कि उसमें समय मिल जाए, हमें उस बारे में पूछा जाए, लेकिन नहीं मिल पाए, चलो ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिशें इसमें छोड़ेंगे नहीं। और खासकर मैं चाहता हूं कि जिस तरह से एक नोटिस निकला है, आप कल दूसरे नोटिस भी निकालो, आपके पास ऐसा नहीं है कि जम्मू से लेकर कठुआ तक जेडीए है और कहीं आप सोचोगे स्वाय निर्मल सिंह के किसी और ने नक्शा ही पास नहीं करवाया, ऐसा नहीं होगा, बहुत से हैं। मैं चाहता हूं इसको आप और आगे लेके जाओ, और अगर आपने नाम ही फ्रेम करने हैं, ये डिप्टी सीएम थे, और अगर ये डिप्टी सीएम या भाजपा से ना जुड़े होते कौन पूछता, बाद में कौन पूछ रहा। लेकिन ये बड़े बड़े नामों के नोटिस निकाल के क्या एक डिपार्टमेंट अपने आप को भी सेव करना चाहता है कि मैं देखो कितना अच्छा काम कर रहा हूँ? देखिए उससे पहले अगर देखें, कुछ दिन पहले लोग मांग ही कर रहे थे, हम लोग मांग कर रहे थे, जो इन्होंने पिछले दिनों नोटिस वगैरह नंबर निकाले थे मकानों के, तो हम ही लोग मांग कर रहे थे ना कि उनके नाम भी लिखे जाएं, कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन से लीडर हैं, कौन से बिजनेसमैन हैं, हम ही मांग कर रहे थे। उन्होंने उनके नामों के बजाय उन्होंने बोला कि ये नाम लगा देते हैं आगे, कुछ पता नहीं क्या रणनीति होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि ये ऐसा करे कम से कम बड़े नाम अभी जेडीए के पास जितने भी हैं, जेडीए को जो लगता है काले ये फाइल तैयार करें, मुझे लगता है कि पूरा डिपार्टमेंट वहां लगाएं, देखें इनके पास कितने लोग हैं जो इलीगल हैं, जिनके पास कंस्ट्रक्शन है जिस तरह ही है, जिनको तोड़ना है आप फौरन से करिए, इतनी बड़ी मशीनरी लेकर एक मकान थोड़े तोड़ने जाएंगे, आप वहां गए हुए कम से कम 20 मकान तोड़ के आइए, विभाग है आपका, ऐसा नहीं है कि आपकी दुकानदारी है कि आप इलीगल तोड़ के आएंगे ना, वैसे थोड़े तोड़ ऐसे नहीं, इलीगल जो है उस एरिया के अंदर एक मकान तो इलीगल नहीं होगा, और भी होंगे, वहां का आप खाका तैयार करो और वहाँ जाओ, जब तोड़ने जाओ तो सारे वहाँ तोड़ के आओ वो वाले इलीगल, ताकि हम भी समझें कि हमारा विभाग जो है ईमानदार है, वो काम ईमानदारी से करता है, वो कोई पक्षपात नहीं करता, वो किसी पार्टी या व्यक्ति या विशेष का ध्यान नहीं रखता, वो केवल वही करता है जो कानूनी है। अगर आप गए वहाँ पर एक तोड़ के आगे तो फिर आइए आकर ये मत सोचे कि हम लोग आपको तोहफा देंगे, फिर तो हम यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो आप भी, पता नहीं क्या कर रहे हो। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद दीपक, धन्यवाद। तो
अब 3 दिन हैं डॉक्टर निर्मल सिंह के पास, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के अंदर या तो वो खुद उसको जो इलीगल इंक्रोच उन्होंने किया है, घर बनाया है, जो वायलेशंस उन्होंने किए, उसको खुद ही डिमोलिश कर दें, या फिर जीडीए का एक विंग जो है वो जाके डिमोलिश करेंगे। अब 3 दिन में या तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं या कोई और रास्ता अपना सकते हैं, ये तो वही करेंगे। लेकिन सवाल इलीगल कंस्ट्रक्शंस का है, नक्शे जो पास हुए हैं क्या उनको भी चेक किया जाएगा? और यहाँ पर क्योंकि सवाल कॉरपोरेटर उठा रहे हैं, कभी कोई उठा रहा है, कभी लोग भी बता रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन सबूत कोई नहीं छोड़ा जाता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, सबूत नहीं छोड़ा जाता है और इलीगल काम भी होता है, तो इसकी कैसे इसको ठीक किया जाएगा? शहर के अंदर जगह बची नहीं है, चलने के लिए जगह नहीं है, गाड़ियां लगाने की पार्किंग की जगह नहीं है, ये जगह गई कहाँ? इन जगहों के ऊपर भी थोड़ा सा कार्रवाई की जाए, पूछा जाए, कुछ नक्शे देखे जाएं, चेक किया जाए और बताया जाए लोगों को कि आखिर यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने दबदबे और पैसे के बलबूते पे कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की हिम्मत रखते थे, रखते हैं, और ऐसे में जो नॉर्मल लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, उनकी कहीं दाल नहीं गलती। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल हैं। हमें लगता है जेडीए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इसके पर काम करे, नक्शे चेक करे, ताकि वो भी उन्हें भी पता चले कि कहीं उनके नाक के नीचे को लोग गलत काम कर रहे हैं उन्हीं के डिपार्टमेंट के। तो ये सारे सवाल हैं, इनके ऊपर चिंतन मंथन किया जाए, डिपार्टमेंट बैठ के चिंतन मंथन करे और इसके ऊपर कोई एक्शन करे। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी छोटे शकील को दें इजाज़त। नमस्कार।